पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत कांगड़ा में स्वामी विवेकानंद एवं कायाकल्प अस्पताल पालमपुर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के अलावा पावर ग्रिड की तरफ से निदेशक VK सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पावर ग्रिड की ओर से श्री देव कुमार, वरिष्ठ महाप्रबंधक HP और प्रदेश के राज्यपाल की ओर से डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से कायाकल्प अस्पताल को लगभग 6 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक MRI मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस सहयोग के लिए स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के चेयरमैन शांता कुमार ने उनका आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी उनके सहयोग की कामना की। से आज यहाँ पर विशेष कार्यक्रम हुआ है और जैसे मैंने कहा हिमाचल में पहली बार, वैसे ही कल 11 बजे पालमपुर में 29 साल पुराना मेरा सपना पूरा हो रहा है। पालमपुर विवेकानंद हॉस्पिटल में हृदय रोग का उपचार, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कैथ लैब, कल 11 बजे उसका उद्घाटन हो रहा है, प्रारंभ हो रही है और मैं समझता हूँ कि इस इलाके की बहुत पुरानी मांग पूरी होगी। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, और सब लोग पधारे। विशेषकर विधानसभा का सेशन चल रहा है, लेकिन विधानसभा का सेशन जो चलाते हैं वो मेरे मित्र अध्यक्ष महोदय भी और दो सामान्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में पधारे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का धन्यवाद करता हूँ। वो इस दृष्टि से और भी कई जगह अपना सेवा कर रहे हैं। CSR का जो प्रावधान है ये भारत के इतिहास में बहुत बढ़िया है। सरकार की एक स्वस्थ सरकारी कंपनी है, मैं उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, तो सरकार की कमेटियों का ही CSR का लगभग 11,000 करोड़ रुपया है, जो इसी प्रकार पूरे देश की सेवा में लग रहा है। तो उस धन का उपयोग हमारे विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए हुआ, मैं उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं पावरग्रिड के निदेशक VK सिंह ने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ पावरग्रिड ने हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 वर्षों के दौरान CSR के तहत कुल 21.65 करोड़ का योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड जल्द ही मंडी में 15 करोड़ की लागत से एक ITI भी तैयार कर रहा है, जिसमें युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। की लागत लगभग 6 करोड़ रुपए की है और आई थिंक कंप्लीशन टाइम वुड बी अराउंड 6 मंथ्स, 6 महीने में ये कम्प्लीट हो जाएगा। और मैं से बता दूँ, पावर ग्रिड एक महारत्ना कंपनी है, पूरे देश में हम लोग बिजली का संचार कर रहे हैं, देश की 50% से ज़्यादा पावर हमारे नेटवर्क पे होती है और पूरे देश में हम लोग 250 से ऊपर करोड़ का लास्ट ईयर में CSR किया है और इसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर 6 स्टेट्स में हम लोग और MRI दे रहे हैं। और हेल्थ हमारा मेन विषय है, इस साल हमारा टारगेट है कि 60% हम लोग कक्षा जो है हेल्थ सब्जेक्ट पे करें और पूरे देश में हम लोग सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है, जहाँ भी हमको सरकार, राज्य सरकारों द्वारा मिलता है, हम लोग CSR कर रहे हैं। और हिमाचल में हमने पहले भी काफ़ी किया है, अभी हम ऐसे कहा एक ITI बनाने वाले हैं, ITI की लागत लगभग 15 करोड़ से ऊपर की होगी जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में होगा। और इसके पहले भी बहुत कोविड में, आज ही मुझे अच्छा लगा कि हमको सराहना मिली राज्य सरकार से कि हमने कोविड में अच्छा काम किया, तो ये विभिन्न प्रयास हमारे रहे हैं। और इसके अलावा शिमला में हमने अभी एम्बुलेंस वैन, डिस्ट्रिक्ट डस्टबिन्स
और क्लीनिंग, सोलर लाइट्स और बहुत कार किए हैं। लगभग सारे पिछले 4 साल में 22 करोड़ से ऊपर का CSR किया है, और हमारे लिए प्रिविलेज का है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। एक हम्बल